नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का चौथा T20I मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड कप्तान इयन मॉर्गन ने टॉस जीतकर एक बार फिर गेंदबाजी चुनी और टीम इंडिया को पहले बल्ला थमा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत इस मुकाबले में एक बार फिर खराब रही और पारी के चौथे ओवर में ही रोहित शर्मा 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को पहला झटका 21 रन के स्कोर पर लगा। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव को भेजा गया। जी हां, इस मुकाबले में ईशान किशन की जगह पर सूर्य कुमार यादव को ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिला और अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज सूर्य कुमार यादव ने धमाकेदार अंदाज में किया। जी हां, आर्चर की इस गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा छक्का ठोक कर इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज किया। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा का विकेट गिरा था। इसके बाद पांचवी गेंद का सामना सूर्य कुमार यादव कर रहे थे। जोफ्रा आर्चर ने एक जोरदार बाउंसर मारी और आर्चर ने अपने ही अंदाज में इस गेंद को हुक कर दिया और गेंद फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए चली गई। सूर्य कुमार यादव के शॉट को देखकर हर कोई हैरान था कि अपने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट गेंद पर इस बल्लेबाज ने छक्का जड़कर अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की है। सूर्य कुमार यादव ने इसके बाद और कई शानदार शॉट्स लगाए, लेकिन एक छोर पर वो रन बना रहे थे, वहीं दूसरी छोर पर लगातार विकेट गिरते चले जा रहे थे। पहले केएल राहुल का विकेट गिरा और इसके बाद जल्द ही विराट कोहली का भी विकेट गिर गया था। 10 ओवर के खेल के बाद टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 78 रन बना लिए थे। सूर्य कुमार यादव 24 गेंदों पर 39 रन बनाकर खेल रहे थे। उस दौरान उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के ठोके थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।